हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शुक्ला और आप सब देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। आप सब जान गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, पर आपने थंबनेल में देखा होगा कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो इसी विषय पे बात करेंगे। और कुछ लोगों को मेरा संदेश भी रहेगा जो विकास दुबे को ब्राह्मणों का शेर कह रहे हैं, उन भाइयों को भी मैं दो शब्द कहूँगा बाद में। आप वीडियो को देखें और आगे तक देखते रहें। और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आज हम बात करेंगे कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर है, क्या वो फर्जी था, क्या सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। तो आइए बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हमारे भारतीय पुलिसकर्मी हैं, जब विकास दुबे नामक एक बदमाश को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे, तब जो विकास दुबे था उसने अपने गुर्गों को वहां पर बुला के पहले से ही रखा था। और हमारे जो हमने जो सुना है, जो हमारे समाचार मीडिया ब्रेकिंग न्यूज ऐसे हम देख रहे हैं, कि उनका कहना है कि इसमें विकास दुबे के जो कनेक्शन है बहुत ऊपर तक थे, और जो हमारे भारतीय पुलिसकर्मी हैं उनमें ही कहीं ना कहीं कोई ऐसा था जिसने इन सारी खबरों को विकास दुबे तक पहले से ही पहुंचाया था, जिसके तहत जो विकास दुबे था अपने घर के बाहर ही उसने जो उसकी जेसीबी मशीन थी उसे उसने गली को जो अपनी जेसीबी मशीन को गली के पास लगाकर गली को ब्लॉक कर दिया। और जब हमारे भारतीय पुलिसकर्मी वहां पर उतरे उसे गिरफ्तार करने के लिए, तो विकास दुबे और उसके जो बदमाश है छत पर छुपे हुए थे, वहां से उन्होंने तबातोड़ फायरिंग की और हमारे भारतीय जो पुलिस के जवान हैं 8 जवानों को शहीद कर दिया, जिसके कारण पूरे देश भर में लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था और सबकी यही मांग थी सरकार से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे हमारे भारतीय जवान जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। और जो हमारे शहीद जवान हैं उनके परिजनों का भी यही कहना था कि उनको उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त सख्त सजा दी जाए। इसी के चलते जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, एसटीएफ के जवान हैं वहाँ के, उन पर काफ़ी दबाव था कि उसे जल्द से जल्द कैसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विकास दुबे घटना के तुरंत बाद वहाँ से गायब हो चुका था। और उसे जो हमारे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के साथ जो हमारे हरियाणा की पुलिस है या अन्य प्रदेशों की भी पुलिस है, वो सब में अलर्ट हो चुका था कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी को देखते हुए जो हम कहेंगे कि यानी कल की तारीख में यानी 8 जुलाई को जो उज्जैन है वहाँ के महाकालेश्वर मंदिर से विकास दुबे ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि वो सोची समझी साजिश के तहत ये सरेंडर कहा जाएगा, क्योंकि विकास दुबे को पता था यदि वो सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसे एनकाउंटर करके मार देगी। और इसी कारण जो कल वहाँ के जो हमारे मध्य प्रदेश की पुलिसकर्मी भाई हैं उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि जो विकास दुबे है उस पर पहले 50,000 का इनाम था, लेकिन ये इनाम बढ़कर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी गिरफ्तारी को पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता जा रहा था और ये इनाम भी बढ़ता जा रहा था। पहले 50,000, उसके बाद 2.5 लाख, 5 लाख तक इनाम उसके ऊपर पहुँच गया था। और जो हमारे अन्य प्रदेश की सरकारें लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन हमारी जो हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस जवान है उनके लिए मैं तालियां भी बजाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसे जो बदमाश को इसे कल गिरफ्तार कर लिया। और जो आज सुबह यानी 9 जुलाई को जब हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के जो पुलिस जवान है उसे कानपुर वापस लेके जा रहे थे ताकि उसे पूछताछ की जाए और पता लगाया जा सके कि इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं और सत्ता में जो पार्टियां हैं ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो इसकी मदद कर रही हैं इन सब मामले में। क्योंकि इससे पहले भी जो विकास दुबे बहुत सारे ऐसे गलत काम किया करता था, लूट फिरौती रंगदारी जैसे तमाम ऐसे आरोप है, 60 या 70, मैं अभी न्यूज में सुन रहा था कि 120 से ज्यादा इसके ऊपर जो आरोप है, लेकिन तब भी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब इसके ऊपर किसी सत्ताधारी पार्टी का हाथ हो। और बहुत सारे ऐसे जो हमारे मंत्री लोग हैं उनके साथ भी इसकी फोटो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। तो विकास दुबे इसलिए भी कहीं ना कहीं बार बार बच जाता था क्योंकि जो सत्ता में पार्टियां हैं उनका जो साथ है, सपोर्ट है, वो विकास दुबे के साथ बना हुआ था। और बहुत सोशल मीडिया पर विकास दुबे के ऐसे बहुत सारे जो नेता मंत्री हैं उनके साथ भी उसकी फोटो जो लगातार वायरल हो रही थी। और मैं अब जो एक जो संदेश है, एक बात है, अपने उन ब्राह्मण भाइयों को कहना चाहूँगा जो विकास दुबे को ब्राह्मणों का शेर कह रहे हैं, तो भाइयों शर्म करो। कोई भी अपराधी जो भी जुर्म करता है वो किसी धर्म जाति नहीं का नहीं होता है, वो केवल एक अपराधी होता है और अपराधी को केवल सजा मिलनी चाहिए।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो ब्राह्मण है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने गलत काम किया है, और गलत काम जो करता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो। तो मैं उन अपने सभी ब्राह्मण भाइयों को हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो हमारा शेर है, ऐसा मत कहो दोस्तों। हमारे शेर भगत सिंह थे और तमाम ऐसे बलिदानी नेता थे जो क्रांति की राह पे हमारे देश को आज़ाद कराने की राह पर बलिदान हुए। और अब मैं फिर से जो ये बात है फिर से कहना चाहूँगा कि विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे जो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि मीडिया कर्मी है लगातार उसकी गाड़ी को, सुबह जब उसे कानपुर ले जाया जा रहा था उसे लगातार उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब वो कानपुर के पास पहुंचे तो वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर जो हमारे सभी मीडिया कर्मी हैं उनको वहां पर रोक दिया गया। और उसके तकरीबन 20 या 25 मिनट बाद ही जो ऐसा सुनने में आया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। तो सोचने की बात यह भी है, जहां पर विकास दुबे की जहां पर गाड़ी पलटी वो रोड बिल्कुल समतल था और ऐसा नहीं था कि वो गाड़ी ज़्यादा रफ्तार में थी। मैंने जब देखा आज चैनल में जो उसके हमारे मीडिया के भाई हैं उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे तो उसकी रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 की होगी, और इतने रफ्तार में कोई भी गाड़ी नहीं पलट सकती है, और रोड भी काफ़ी सीधा समतल था जहाँ पर ये गाड़ी पलटी है। मैं ऐसा मानता अगर वहाँ पर कोई गड्ढा होता या कुछ ऐसा ब्रेकर होता तो गाड़ी पलटने की संभावना हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी संभावना नहीं दिखी। और सोचने की बात यह भी है, जब कल विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया, केवल 2 या 3 जवान थे जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया, तो विकास दुबे अगर वहां से भागने की सोचता तो उसके पास काफी अच्छा मौका था, वो वहां से आसानी से भाग सकता था। लेकिन आज ही उसने भागने की कोशिश क्यों की जब इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ उसे ले जाया जा रहा था? तो ये बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं, बहुत सारी ऐसी कड़ी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप सबसे कि जैसा कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि यूपी में रहना है तो जुर्म छोड़ दो, या आपको पता ही है उन्होंने क्या कहा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप भी अपनी राय दीजिए। और इस पूरी वीडियो में मैंने अपनी राय दी है और मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, किसी को सही नहीं ठहरा रहा। जो मेरी खुद की सोच थी मैंने वो आप सबके साथ शेयर किया है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।